नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है सृजन, उसमें गद्याखंड का जो अध्याय है हमारा 16वां, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता जो कहानी है, तो उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग एकांत के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में और उनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनका अध्ययन किया था, और साथ ही साथ ममता कौन है और किस प्रकार से वो अपने पिता को जो मलेच्छों द्वारा यानी कि मुस्लिमों द्वारा जो है मुसलमानों द्वारा जो उपहार दिया गया है तो उसको लेने से मना करती है शेर शाह द्वारा, जो दिया गया उत्कोच था उसको, लेकिन जो उसके पिता हैं उसकी बात को बाद में मानते हैं। लेकिन जब वे मानते हैं तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जब स्वाभिमान जागता है ममता के पिता का, यानी कि जो मंत्री थे वहाँ के चूड़ामणि उनके पिता थे, तो जब उनका स्वाभिमान जागृत होता है तो उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस समय तक जो शेरशाह जो था उसके द्वारा जो भेजी गई डोलियाँ थीं उनमें जो पठान सैनिक थे वे दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं और आपस में तलवारें खींच जाने पर जो चूड़ामणि है जो ममता का पिता था वो मारा जाता है, और साथ ही साथ जो राजा और रानी और साथ ही कोष जो है वो शेरशाह द्वारा अपने अधीन कर लिया जाता है, और वहाँ से जो ममता है वो भाग निकलती है। लेकिन जो पठान सैनिक हैं दुर्ग भर में उस ममता को ढूंढते हैं लेकिन वह उन्हें नहीं मिलती। तो ये हमने पढ़ा था भाग 1 के अंतर्गत, लेकिन भाग 2 में हम पढ़ रहे हैं कि उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ से ममता चले जाने के बाद में ममता की हालत कैसी हो गई है, किस प्रकार से उसने अपना जीवन यापित किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हमारी जो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है ममता, उसके दूसरे भाग में दृश्य 2 में। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। अब काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त जो सम्राट थे उनकी कीर्ति का खंडहर था। ये भगन चूड़ा तृण गुलमों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अब देखिए कि भगन चूड़ा, अब यहाँ पे जो टूटे हुए ऊपर के घेराव हैं तृण तिनकों से और झाड़ियों से ढके हुए प्राचीर, प्राचीर मतलब कि महलों की जो दीवारें हैं, और ईंटों के ढेर में बिखरे हुए जो भारतीय शिल्प की जो विभूतियाँ थीं, तो वे सभी जो हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं। और ग्रीष्म ऋतु की जो चंद्रिका, चंद्रिका कहते हैं चांदनी को, तो वह अपने आप को वहाँ पे शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब देखिए कहाँ रह रही है वो ममता जो है, जो महलों में यानी कि रहने वाली थी, हर प्रकार की सुविधा से संपन्न था उसका जीवन, तब उसका जीवन कैसा हो चुका है। अब लेखक बता रहा है कि वो रह कहाँ रही है, तो एक स्तूप है जहाँ पे पंचवर्गीय जो भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे, पांच भिक्षु, पंचवर्गीय भिक्षु, तो उसी स्तूप के जो भग्नावशेष हैं, खंडहर जो हैं, उसकी मलिन छाया में एक झोंपड़ी में से दीपालोक, दीप प्लस आलोक, इसमें संधि की गई है, दीर्घ संधि है, ए प्लस आ बराबर आ बन जाता है दीपालोक, दीपक की रोशनी, आलोक का मतलब प्रकाश, दीपक का जो प्रकाश है ना, तो उसके दीपक के प्रकाश में बैठी हुई एक स्त्री जो पाठ कर रही थी, अनन्यास चिंतित तो माँ ये जनहा प्रियोपासते, पाठ रुक गया। अब वो पाठ का अध्ययन कर रही है लेकिन पाठ रुक गया, एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। अब एक भीषण आकृति जो है, कोई व्यक्ति जो है वहाँ आ गया है और दीप का जो मंद प्रकाश है उसमें सामने खड़ी है स्त्री। उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। अब झोंपड़ी का कपाट खुला था, लेकिन भयभीत तो होकर उस स्त्री ने जब वो कपाट बंद करना चाहा तो उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए, ठहराव चाहिए। तो
तुम कौन हो, स्त्री ने पूछा। अब स्त्री जो थी ना उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। विपन्न होकर मतलब वहाँ से हार गया हूँ मैं, इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। अब इस रात में अंधेरी, ये जो चांदनी रात ना इसमें अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ और हूँ, तो मैं आगे जाने में असमर्थ हूँ। अब ममता पूछ रही है कि वो स्त्री जो है ना वो पूछ रही है कि क्या शेरशाह से ओट काट लिए, यानी कि अत्यंत गुस्से में आ गई है वो, विचलित हो गई है वो। तो कहता है हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। अब वो कह रही है औरत जो है, स्त्री जो है वो उससे कह रही है, उस व्यक्ति से कहती है कि तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो, क्रूरता करने वाले हो, वैसे ही भीषण रक्त प्यास तुम्हारे अंदर भी है और वैसे ही तुम निष्ठुर हो और तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरे कुटीर में स्थान नहीं, और तुम्हारे मुख के ऊपर वैसे ही भाव दिखाई दे रहे हैं जैसे उसके शेरशाह के मुख पर दिखाई देते हैं, और मेरी कुटी में, कुटी मतलब कुटिया में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। अब वो कहते हैं कि गला सूख रहा है, साथी छूट गई हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ इतना। अब वो बातें कर रहा है कि गला मेरा सूख रहा है, मेरे साथी जो छूट गए हैं मुझसे, जो मेरा घोड़ा है वो गिर पड़ा है, यानी कि वो मृत हो चुका है। और वो कहता है मैं इतना थक चुका हूँ इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। अब ब्रह्मांड घूमने लगा मतलब पूरा संसार उसके सामने घूम रहा है, अत्यंत ही वो थका हुआ था, इस कारण से वो गिर चुका है, उसको चक्कर आने लग गए हैं। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। अब इसमें लेखक कहते हैं कि उस औरत ने अपने कर्तव्य को नहीं भुलाया है, तो अतिथि देवो भव की जो संस्कृति है, जो पाठ पढ़ा है, तो उसको साक्षात किया है कि उसने उस जल जो जल है वो मुगल को दिया और उसके प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अब वो कहती है कि ये जो विधर्मी है ना, विधर्मी यानी कि दूसरे धर्म के जो हैं वो दया के पात्र नहीं है, लेकिन मेरे पिता का वध भी तो इन्हीं आतताइयों ने, आतंकियों ने किया था, और घृणा से उसका मन जो विरक्त हो गया है, पहले तो उसके प्रति दया की भावना थी, अब विरक्त हो गया है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊँ। अब वो कहते हैं कि जब स्वस्थ होगा थोड़ा सा उसको होश आया, तो वो कहते हैं कि क्या मैं चला जाऊँ क्या। स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, तो मुझे जो है धर्म, मेरा जो धर्म है अतिथि देवो भव, तो इस बात की पालना करनी चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। लेकिन फिर उसके मन में विचार आता है उस स्त्री के कि नहीं ये जो सब विधर्मी है ना वो दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब अब वो कहते हैं ये दया नहीं कर रही हूँ मैं, अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। फिर मन में विचार आया उसके कि नहीं तुम दया थोड़ी कर रही हो, तुम तो अपने कर्तव्य को निभा रही हो। तो कहती है तब, और फिर अपने मन से प्रश्न पूछ रही है, तो मुगल अपनी तलवार टेकर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य कि तुम बिछल करो, ठहरो। अब मुगल जो था, अब पता नहीं कि कौन मुगल है कौन स्त्री है ना, तो लेकिन जो स्त्री है उसका वर्णन आगे बताएगा लेखक जो है, और जो ये मुगल सैनिक है उसका वर्णन भी बताएगा मुगल जो है, कि मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा होता है और ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम बिछल करो, ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ भाग्य का खेल है। अब वो कहते छल मैं कैसे कर सकता हूँ, और वो भी स्त्री से। वो कहते चलो ठीक है मैं जाता हूँ, फिर तैमूर का वंशधर हूँ मैं, स्त्री से छल करेगा, और अपने आप को कह रहा है कि मैं छल करूँगा क्या, जाता हूँ भाग्य का खेल है ये तो। ममता ने मन में कहा अब ये स्त्री कौन है, वो ममता ही है। यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ने जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अब ममता अपने मन में सोच रही है कि मेरे पास कौन सा यहाँ दुर्ग पड़ा है या कुछ और है, तो मेरे पास ये टूटी फूटी झोंपड़ी है, जो चाहेगा ले लेगा, तो मुझे तो अपने कर्तव्य को निभाना है कि जो अतिथि देवो भव है, अतिथि जो है वो देवता के समान है। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ।
अब वो ममता कहती है उससे, राहगीर से, कि तुम चाहे कोई भी हो मुझे उससे नहीं है, लेकिन तुम अंदर चले जाओ, तुम भयभीत हो हे राहगीर, तुम भयभीत हो, थके हुए हो, और जाकर तुम भीतर जो है अपना आराम कर लो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी छोड़ दूँ। अब वो कहती है कि मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, ब्राह्मण की पुत्री हूँ, तो सभी अगर अपना धर्म छोड़ देंगे तो मैं थोड़ी छोड़ दूँगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। अब जो मुगल था ना, उसने चंद्रमा के मंद प्रकाश में उस महिमामयी जो मुखमंडल था, महिमा से भरा हुआ जो मुखमंडल था, उसको देखा और उसके मन में उसने मन ही मन उससे प्रणाम किया, नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। अब जो ममता है ना, पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई है और भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। अब खंडहर की संधि यानी कि टूटी दीवारें टूटी हुई थी, तो उनके अंदर से जो आर पार दिखाई दे रहा था, जहाँ दीवारें मिलती हैं आपस में, कुछ ना कुछ तो उसमें रह ही जाता है। संधि मतलब वैसे तो जुड़ाव होते हैं, जब खंडहर जो है आपस में जुड़े रहे थे तो उनके बीच में से देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रही हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उसने सोचा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मूर्खता कर दी है कि इसको ढूंढते हुए यहाँ पे आ गए, और कम से कम जो है सैकड़ों अश्वारोही हैं। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। अब ममता और अधिक डर गई है कि ये कैसा चित्कार है, कैसी ध्वनि है उस प्रांत में गूंज उठी है। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाव में चली गई। अब ये मृगदाव क्या है कि किसी गुफा के अंदर जो है ऐसा जो है अपने आप को छुपा लिया है कि कोई देख ना सके। दिन भर उसमें से नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों को के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा। अब मिर्जा जो है सेनापति के लिए कहा गया है, उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ बाद में चले गई। अब देखिए वो अपने सेनापति से कहता है कि यह जो स्थान है, मैंने यहाँ पे विश्राम किया है विपत्ति के समय, तो इस स्थान को भूलना मत, यहाँ पे तुम मकान बनवा देना, घर बनवा देना, और इसका बाद में भी वहाँ से चले गए। तो चौसा के मुग़ल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा का युद्ध था ये, मुग़ल और पठानों के बीच में युद्ध हुआ था। अब शेरशाह जो पठान था, मुग़ल ये जो है हुमायूं था। तो ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। अब देखिए ममता जो है वृद्ध हो चुकी है, 70 वर्ष की अवस्था हो चुकी है उसकी, और वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी और शीतकाल का प्रभात था। शीतकाल मतलब सर्दियों का प्रातः था, और उसका जीर्ण कंकाल जो है खांसी से गूंज रहा था। अब जीर्ण कंकाल मतलब कि बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो चुका था, और कंकाल जो पूरी तरह से गूंज रहा था खांसी की वजह से। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख दुख की संभागिनी रही है। क्यों, जीवन भर तक उसने आजीवन जो है दूसरों के सुख दुख के लिए ही कार्य किया, तो इसके कारण से 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थीं। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। अब देखिए उसके पास में बर्तन तक नहीं थे, तो सीपी से जल पिलाया गया उसको। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़े के द्वार पर दिखाई पड़ा। अब अश्वारोही जो घोड़े पर चढ़ा हुआ है, घोड़ा लेकर आया है, अचानक वहाँ पे आया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। मिर्जा यानी कि जो सेनापति था ना उसके साथ में, तो अश्वारोही कहता है कि जो चित्र बना के दिया मेरे को वो इसी जगह का होना चाहिए, वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। अब देखिए 47 वर्ष बाद में कोई सुध लेने के लिए आया उस जगह की, जिसको हुमायूं ने कहा था कि यहाँ पे घर बनवा देना, तो 47 साल बाद में कोई वहाँ आया है। तो जो ममता है वो वृद्ध हो चुकी है और अपनी अंतिम श्वासें गिन रही है, तो वो अपनी धुन में अपने आप से बातें कर रहा है जो अश्वारोही है, कि जो मिर्जा ने चित्र बना के दिया है
तो वो लगता है किसी जगह का है और हो सकता है कि वह बुढ़िया मर गई होगी। और किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे बैठे थे यहाँ पे आके, यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, विकल मतलब व्याकुल जो कान है ना उससे सुना। उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ। अब किसे बुलाओ, उस अश्वारोही को बुलाने के लिए कहा। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे बह रहा। अब वो ममता बता रही कि मुझे नहीं पता कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल सैनिक था, लेकिन एक मुगल यहाँ पे रुका तो था, मेरी इस झोंपड़ी के नीचे आके सोया था वो। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। अब वो कह रही है उससे अश्वारोही से कि मैंने सुना था कि वो आज्ञा दे चुका था कि वो मेरा घर बनवा दें। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब ममता कहती है कि भगवान ने मेरी सुन ली है और मैं आज इसे छोड़ कर जा रही हूँ। अब किसे छोड़ के जा रही हूँ, जो झोपड़ी है ना उसको छोड़ के जा रही हूँ, उस मुगल के लिए, उस शहंशाह के लिए। अब वो चाहे इसके ऊपर मकान बनवा दे या महल बनवा दे, और मैं अपने जो चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। अब चिर विश्राम गृह मतलब कि मृत्यु लोक जो है, स्वर्ग लोक की तरफ मैं जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा, बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गई। अवाक बिना कुछ बोले स्तब्ध सा खड़ा रहा वहाँ पे, और बुढ़िया के जो प्राण पक्षी थे, प्राण पखेरू जो थे, वो अनंत में उड़ गई। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात परमेश्वर में मिल गई हैं जाके। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। और देखिए, एक अष्टकोण का मंदिर वहाँ बना दिया गया है जिसके 8 कोने हैं, और वहाँ पे शिलालेख लगाया गया। तो शिलालेख में क्या लिखा गया है तो देखिए, अपने पढ़ते हैं इसमें। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुम्बी मंदिर बनवाया। अब देखिए, जो सातों देश के नरेश हुमायूं थे, एक दिन उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था, और उसकी याद के अंदर उनके जो पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुम्बी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। अब देखिए किस प्रकार की विडंबना है। जिस औरत ने हुमायूं की रक्षा की थी, हुमायूं को बचाया था, आश्रय दिया था, उसी ममता का वहाँ पे नाम नहीं है। और अकबर का जो ने जो शिलालेख वहाँ लगवाया तो उसमें सिर्फ हुमायूं का ही वर्णन किया गया है, तो ये काफ़ी विडंबना है। तो ऐसे जो ममता है, तो उसने अपना जो संपूर्ण जो जीवन है लोगों की भलाई के लिए ही व्यतीत किया, लोगों के लिए ही व्यतीत किया, उनके सेवा शुश्रूषा में ही अपना जो जीवन है वो लगा दिया। तो ये थी हमारी जो कहानी है ममता, तो जिसमें किसी दीनहीन का जो नाम है वो नहीं रहता, बल्कि जो धनवान व्यक्ति है उसी को ही पूछा जाता है, उसी का ही नाम रहता है, तो ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। तो ये था हमारा अध्याय 16, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी। तो आज हमारा ये अध्याय पूर्ण हुआ भाग 2 के अंतर्गत। तो इसी के साथ धन्यवाद।